हेलो एवरीबॉडी, आवाज क्लियर आ रही है सबको? दुर्गेश, मेधावी, मनीषा रानी, या आवाज आ रही है? चलो जी, थोड़े आर्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस। हमारे टॉपिक कौन सा था? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज वो कर लेते हैं हम। स्क्रीन क्लियर है? ये साज स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ। आई एम इन द क्लास।
हेलो गाइस, सॉरी मैं स्टूडियो से सोच रही थी क्लास लेने का, बट सेट नहीं हो पा रहा था, तो अगेन वी आर बैक टू आवर थिंग। ओके चलिए जी, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और नए क्वेश्चंस हैं वैसे तो, ये आपके हैं तो सारे नए क्वेश्चंस, वीडियो आ रहा होगा, है तो ये सारे नए क्वेश्चंस, बट दोबारा सिर्फ सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग आंसर करो इसमें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? 152, 153, 154, 155। ओके, द राइट आंसर इज 154। बताने की जरूरत है नहीं, रोज आप जानते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 154, ठीक है, इसकी डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नरेटिव पोएम? किसको उन्होंने अपनी पहली जो नरेटिव पोएम थी वो डेडिकेट की? वीनस एंड एडोनिस। ये जो वेनस एंड एडोनिस थी, ये किसको डेडिकेटेड थी? क्वीन एलिजाबेथ को, या फिर जेम्स फर्स्ट को, या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, या फिर बेन जॉनसन को? सो क्वेश्चन हमारा ये है कि टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस? ये किसको इन्होंने डेडिकेट की बेसिकली? ओके, सो आपका क्या आंसर है? ये इसमें राइट आंसर है आपका, प्रीतम ए बता रहे हैं, मेधावी ए बता रहे हैं। वीनस एंड एडोनिस डेडिकेटेड टू, बहुत सारे लोग हैं। देखो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल भी एलिजाबेथ पे नहीं है। पहली बात तो एलिजाबेथ को वीनस तो बोल सकते थे, बट एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम पर्सन, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एलिजाबेथ से वो नहीं थी कंसर्न। ये थी आपकी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से, ठीक है? सो इसमें जो राइट आंसर था आपका वो था सी, और ये चीज़ याद रखना। ओके, इनका नाम था जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, इनका नाम था हेनरी रियोथेसली, ठीक है? ये थर्ड अर्ल थे, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ओके, तो इनको इन्होंने डेडिकेट किया था वीनस एंड एडोनिस। चलिए, Who has written tales from Shakespeare? John Clare, Charles Lamb, Samuel Rogers, and Thomas Leigh Peacock. Who has written tales from Shakespeare? What the right answer will be?
टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। देखो ये जो है ना टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर से जो कहानियां ली गई हैं ये बच्चों की बुक है, ठीक है, और ये लिखी गई थी चार्ल्स लैम के द्वारा, चार्ल्स एंड मैरी लैम, चार्ल्स एंड मैरी लैम जो कि सिबलिंग्स थे, ठीक है, 1807। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, इंग्लिश चिल्ड्रन बुक है, ओके, 1807 में पहली इसकी प्रिंटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लैम, याद रखना नाम, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम, ओके। व्हाट इज द नेम फ्रेज जो है वो अकर किया गया, ओथेलो, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ी है तो एग्जाम के बाद इनको पढ़ना, मजेदार है। व्हाट्स इन अ नेम का मतलब, नाम में क्या रखा है, ये फ्रेज काफी इंपॉर्टेंट है, नाम में क्या रखा है चलता चला आया काफी दिनों तक, तो ये नाम में क्या रखा है, किसकी बात कर रहे थे। द फ्रेज व्हाट इज इन द नेम अकर्स इन, वेल आप, आपको बताऊं नाम में क्या रखा है, ये रोमियो एंड जूलियट में था, ठीक है, याद रखना, रोमियो एंड जूलियट में था, ओके। वो हमेशा ये बात करते थे व्हाट इज इन द नेम, और ये बहुत ज्यादा फेमस है, ओके, शेक्सपियर ने लिखा था, ये कोट था, बहुत ही ज्यादा फेमस था। अच्छा, और ये जो जूलियट है, ये जूलियट ही, जूलियट ने कहा था बेसिकली, ये जो कोट था ये जूलियट का था, जूलियट कह रही थी व्हेन शी वाज टेलिंग रोम, रोम को बता रही थी कि नाम में कुछ नहीं है, नाम तो सिर्फ एक बहाना है, जो इम्पोर्टेंट है वो नाम के पीछे का जो मतलब है वो इम्पोर्टेंट है, तो जूलियट ने ये कहा था, ठीक है। व्हाट इज इन द नेम, इसके पीछे की कहानी इसलिए बता दी ताकि आपको ये याद रहे, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ है हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। आज आप लोग अभी तक के सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चंस बता रहे हैं, वैसे आज आजकल आप लोग बहुत सही बताते हैं। देखो मतलब ये, हाँ सही बताया है, मैंने पूछा है कि जो क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्लेज के वो किसने लिखे हैं, तो कैरेक्टर्स जो है शेक्सपियर्स के प्लेज के, तो वो क्रिटिसिज्म है, वो 19th सेंचुरी के जो एसेइस्ट हैं और लिटरेरी क्रिकेट है 19th सेंचुरी के, विलियम हैजलिट, उन्होंने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, विलियम हैजलिट ने। सो ये 19th सेंचुरी के क्रिटिक हैं, 19th सेंचुरी क्रिटिक, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज लिखी है, मतलब जो कैरेक्टर्स थे शेक्सपियर्स के प्लेज के उनके ऊपर टीका टिप्पणी की है वो है इसमें, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये बुक आप ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो आपने सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रेप इन ल्यूक्रेसी, रेप इन ल्यूक्रेसी क्या है बताना सारे लोग, व्हाट इज रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। हाँ देखो, ये जो रेप ऑफ ल्यूक्रेसी है ये तो अपने आपको पता होगा, 1594 में लिखा इन्होंने शेक्सपियर ने, रोमन नोबल वुमन लुक्रेशिया के नाम से, ठीक है, रोमन नोबल वुमन जो थी लुक्रेशिया, तो इसमें आपका एक नरेटिव पोयम है, ये सब जानते हैं इम्पोर्टेंट है, ये एक नरेटिव पोयम है, किसके ऊपर है ये, बेसिकली लुक्रेशिया के ऊपर है ना, तो यहाँ पर आपको लिखते बेस्ड ऑन रोमन नोबल वूमन, नोबल वूमन का मतलब समझदार महिला, सम्मानित महिला, उसका नाम था ल्यूक्रेशिया,
और ये जस्ट बाद में लिखी गई, जब आपका वीनस एंड एडेनिस 1593 में लिखा गया था, उसके बाद ये लिखी गई है ना 1594 में। तो राइट ऑप्शन इसमें था अ नरेटिव पोयम। ये पूरी तरह नरेट, नरेट करना मतलब कथन करना, जिसमें शेक्सपियर अपनी तरफ से बोल रहे हैं। जब नरेट, नरेशन समझते हैं, नरेटिव पोयम का मतलब जानते हैं, जिसमें कोई पर्सन नरेट करता है कि अब ये उस टाइम ऐसा हुआ, उस टाइम वैसा हुआ। जैसे आपने मनी हाइस्ट देखी है, मनी हाइस्ट पूरी मूवी होती है, सॉरी पूरी सीरीज होती है, जिसमें जानते हो क्या होता है, वो जो आपकी उसका क्या नाम है, इतने दिन हो गए कि उसका नाम ही भूल गई, वो मेन कैरेक्टर का नाम क्या था जिसके बाल छोटे थे, तुम लोगों ने देखी है? पता नहीं तुम लोगों ने देखी कि नहीं। तो जो मेन कैरेक्टर होती है वही पूरी स्टोरी बताती है, उसके बाद वो मेन कैरेक्टर बन भी जाती है, हालांकि उसे मतलब अब उसका नाम क्या था, बिल्कुल नाम दिमाग से निकल गया। तुम लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है? तो वो जो बोलती है, अच्छा तुम लोगों ने देखी नहीं है। मनी हाइस्ट बढ़िया सीरीज थी। अच्छा, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सॉनेट्स पब्लिश्ड? कविता कुमारी ने आंसर दिया और किसी ने आंसर नहीं दिया। ये 1609 में, ठीक है, 1609 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ ऑफ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ इज अ टेल, जिंदगी एक कहानी है जो इस एक मूर्ख द्वारा कही गई है। ये किसने लिखा, ये किसमें कहा गया था, ये मतलब किसमें था, हैमलेट में, ओथेलो में, किंग लियर में, या फिर मैकबेथ में? अच्छा है ये, मतलब बढ़िया है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये हम भी कह सकते हैं। ये इन्होंने किसमें कोट किया है, एक ट्रेजडी है इनकी, मैकबेथ। मैकबेथ बड़ी खतरनाक ट्रेजडी है, इसको मारा, उसका हाथ काटा, बड़ी खतरनाक है, बचपन में मैंने पढ़ी थी। सो उसमें कहा गया लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, किसी मूर्ख द्वारा बताई गई, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। मतलब पूरा ये था कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब शोर और गुस्से से भरी हुई, और मतलब उसका कुछ नहीं है, साउंड एंड फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग, और इम्पॉर्टेंस उसको मतलब दे के कुछ नहीं जाती है, आफत मचा देती है। तो लाइफ एक ऐसी कहानी है जो किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा चली गई है, जिसमें दुख है, जिसमें शोर है, और जिसका इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, ये कहा गया था मैकबेथ में। ठीक है, लोग मरते रहते, मरते रहते मैकबेथ में। अब देखो क्या है, हाँ से आज की सिचुएशन में अगर मैकबेथ पढ़ी जाएगी तो सबसे पहले लोग सोचेंगे कि लाओ मैकबेथ पे पहले वो बना लें सीरीज, अच्छी बनेंगी। वैसे इन पे सीरीज बनानी चाहिए इन लोगों का, लेकिन ध्यान नहीं गया क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। किसने कहा शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये किसने कहा था, मॉर्लोव ने, बेन जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने, ड्राइडन ने? जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आते ही आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो आप ऐसे ही इनको कर लेना, मॉर्लोव, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन और ड्राइडन। ये कहा था आपका बेन जॉनसन ने, किसने कहा था, बेन जॉनसन ने। शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन। ओके, यहाँ पे सैमुअल जॉनसन का नाम भी है, इसीलिए बेन जॉनसन याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेन जॉनसन का ये स्टेटमेंट काफी फेमस होगा, काफी फेमस रहा था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो वो हमेशा उनके बारे में बोलते थे, तो ये सब लोग जानते हैं। ओके, हु सेड दैट शेक्सपियर, अच्छा वो सेम चीज है, तो इसमें भी राइट आंसर आपका वही हो जाएगा, बेन जॉनसन। शेक्सपियर्स रोमन प्लेस, जो शेक्सपियर के रोमन प्लेस हैं, आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस? नॉर्स प्लूटार्क,
हॉलेंशेड्स क्रॉनिकल्स, द पैलेस ऑफ प्लेजर या एंशियंट टेल्स। इसमें ए बी सी डी करके ठीक से लिखा नहीं है, मैं आपको आंसर इसका बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो। जो शेक्सपियर के रोमन प्लेस हैं किस सोर्स पर बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं आपके नॉर्थ के प्लूटार्क पे। किस पर बेस्ड है? नॉर्थ के प्लूटार्क पे। सेबेस्टियन, क्या बात है, वेरी नाइस, ये बेस्ड है नॉर्थ के प्लूटार्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। किसने कहा? टी एस इलियट, सी एस लेविस, अरे मैं सब पे मार्क कर रही हूँ, अर्नेस्ट जोन्स, क्लिंट ब्रूक्स। किसने ये कहा कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? हैमलेट वही ट्रेजेडी शेक्सपियर की, उसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला है टी एस एलियट ने किसी रीजन से। इन्होंने उसमें बहुत सारे रीजन दिए कि हैमलेट जो है उसको अच्छे से आर्टिस्टिक तो किया गया है बट अंत में मज़ा नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिस मतलब अच्छी नहीं है, मज़ेदार नहीं है। तो एलियट ने इनको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपने लिटरेचर पढ़ी होगी तो आपको ये ज़रूर पता होगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। ये हो चुका है क्या 13 क्वेश्चन? एक मिनट गाइस, ये जो क्वेश्चन था ये अलग है और वो शायद क्वेश्चन अलग था, एक मिनट में देखती हूँ। लिखा हुआ है शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, और यहाँ पे रोमन प्लेस की बात करेंगे तो नॉर्थ का प्लूटार्क राइट आंसर आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस की बात करेंगे तो किस कौन सा आंसर आएगा, तब आप नॉर्थ प्लूटार्क नहीं लगाएंगे, उसमें आ जाएगा हॉलेंशेड्स क्रॉनिकल्स। राइट आंसर क्या आ जाएगा? हॉलेंशेड्स क्रॉनिकल्स। जो शेक्सपियर के इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस हैं वो किस पर बेस्ड है, कौन सा सोर्स है आपका? इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस जो है वो सोर्स है आपका हॉलेंशेड्स क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ मेल नेम, मिस्टर डब्ल्यू एच मार्लो, बी हो गया मार्लो, मिस्टर एच डब्ल्यू और डार्क जेंटलमैन। हाँ, सो ये है मिस्टर डब्ल्यू एच। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू अ मेल फ्रेंड मिस्टर डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच कौन है? डब्ल्यू एच का क्या मतलब है इनका? एच डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू एच। विशाल सिंह कह रहे हैं विलियम हेबर्ट, एक मिस्ट्री मैन, इनको मिस्ट्री मैन का हर्बर्ट है नाम उनका, ठीक है, हर्बर्ट नाम है विशाल, और ये इनको मिस्ट्री मैन बोला है मिस्टर डब्ल्यू एच के नाम पे, इन्होंने अपने सारे सोनेट्स को एड्रेस करा, ठीक है, जब भी कभी देखना तो आपको मिल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ अ घोस्ट। इनकी जो ट्रेजेडीज हैं काफी फेमस हैं, किसी में घोस्ट का भी कोई रोल है क्या? ओथेलो है, हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ये चारों याद हो जाएंगी जब तक आप पढ़ेंगे आपको। घोस्ट का रोल पता है किसमें है? हैमलेट में। मुझे एग्जैक्टली मतलब शॉर्ट में मैं इनको आपको सुनाऊंगी लास्ट में, मैंने पढ़ी है बहुत अच्छे से इनको, बट एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा क्या किसमें था। रोमियो जूलियट, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, सारी पढ़ी है, ठीक है। ये तो पता है कि प्रिंस डेनमार्क जो प्रिंस था उसके बारे में कुछ लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो इसमें था आपका देयर इज अ रोल ऑफ अ घोस्ट, मतलब एक घोस्ट को भी एक रोल दिया गया था। तब तो लोगों में इतना टैलेंट नहीं था, पता नहीं कैसे कर लेते थे, इतना स्टेज प्ले भी होते थे, बड़ा मजा आता होगा इन लोगों को। हाँ जी, वो फेरी क्वीनी का हीरो कौन था? Who is the hero of Fairy Queenie? Fairy Queenie.
फेरी क्वीनी का हीरो कौन था? स्पेंसर की जो फेरी क्वीनी था, स्पेंसर की जो फेरी क्वीनी है, मुझे लग रहा है किसी और ने भी लिखी है, क्योंकि मैंने दो तीन स्पेंसर ने लिखी और भी कोई है, कल मैं पढ़ा रही थी तो स्पेंसर की जो फेरी क्वीनी है उसकी स्टोरी अलग है। किंग आर्थर, ठीक है। बेसिकली ये मैंने आपको शायद स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया भी था कि फेरी क्वीनी में किंग आर्थर टेल्स की बातें किया करते थे ये लोग, इसलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स स्पेंसर द पोइट्स पोएट? सिडनी हैजलिट, चार्ल्स लैम, मैथ्यू अर्नाल्ड। कहाँ? चार्ल्स लैम ने, कुणाल, स्नेहलता, कविता, विशाल, विक्की, प्रीतम, चार्ल्स लैम ने कहा, ठीक है। इनको, स्पेंसर को जो कहा है, स्पेंसर को कवियों के कवि कहा है, ये कहा है चार्ल्स लैम ने, ठीक है। चार्ल्स लैम के अलावा जो है, चार्ल्स लैम ने कहा है ये, लेकिन इनकी इसके अलावा ये जो है ना, बहुत लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, और उसमें मिल्टन, ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन और टेनिसन भी आते हैं, ठीक है। तो पोइट, कवियों के कवि किसे कहा है? चार्ल्स लैम ने कहा है स्पेंसर को, और इसके अलावा स्पेंसर की सबने तारीफ की है। किसका किसका नाम मैंने लिया, किसने किसने तारीफ की है? मिल्टन और शेक्सपियर जैसे बड़े नाम है इसमें, विलियम ब्लेक जैसे, जॉन कीट्स जैसे बड़े नाम है, बायरन है, टेनिसन है, इन सबने इनकी काफी अप्रिसिएशन दिया है इनको काफी। टू हुम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज शेक्स, क्या है? अच्छा, शेफरेट्स कैलेंडर, जो इनका शेफरेट्स कैलेंडर था वो किसको इन्होंने डेडिकेट किया? स्पेंसर ने ये डेडिकेट किया है सर फिलिप सिडनी को, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है। अभी इनको, अभी हमने इनका नाम नहीं लिया था फिलहाल, इनको डेडिकेट किया है अपना शेफर्ड कैलेंडर स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना जरा। सिडनीज एरकेडिया इज सिमिलर टू, सिडनी की जो एरकेडिया है वो किससे सिमिलर है? स्पेंसर की इफेथेल्मियो से, या फिर शेक्सपियर की सिम्बेलिन से, या फिर मोरेस की यूटोपिया से, या फिर ब्रैटन की पोली ओब्लियन से? आपने क्या आंसर दिया है? राइट आंसर होगा मोरेस की, विलियम मोर की जो यूटोपिया है उससे। यूटोपिया के बारे में मैंने आपको बताया था। सिडनी की एरकेडिया है वो किससे सिमिलर है? यूटोपिया से। नाम भी है यूटोपिया एरकेडिया जैसे, तो आप याद कर लोगे। यूटोपिया मैंने आपको बताया था, इट इज एन इमेजिनरी सोसाइटी जिसमें एवरीथिंग, एवरीवन इज वेरी वेरी हैप्पी। सो मोरे की यूटोपिया से ये कंसर्न है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टोटल्स मिस सेलेनी वॉज पब्लिश्ड इन, टोटल्स की जो मिसेलिनी है, मिसेलिनी मतलब जिसमें सारी चीजों का मिश्रण है, वो पब्लिश हुई 1557 में। आज आप लोगों ने न्यूज देखी? आज मेरे एरिया से थोड़ी दूर पर भी काफी सारा पानी भर गया है, बट हमारे एरिया में आज नेटवर्क वो हो गया खराब और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब थोड़ा सा, मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमसे थोड़ी ही दूर पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मतलब चूंकि थोड़ा निचला हिस्सा था दिल्ली का, पूरी तरह पानी में डूब गया। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स? ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में? मार्लो, सरी, शेक्सपियर, व्याट। मार्लो, सरी। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश पोइट्री? जिसने, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसने लिखी है उसी ने मतलब ब्लैंक वर्ड्स जो है वो करी हो।
मतलब ब्लैंक वर्स इंग्लिश पोइट्री की अगर हम बात करें तो करिए सरे ने, ठीक है, इंग्लिश पोइट्री में। और वैसे और भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन जो है ना ब्लैंक वर्स की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें बहुत सारे नाम हैं आपको मैं बता दूं, लेकिन इसमें जो ब्लैंक वर्स इंग्लिश पोइट्री में बात करें उसका सही जो मतलब नाम है वो सरे का नाम आता है। वैसे विलियम शेक्सपियर को माना जाता है फादर, इंट्रोड्यूस करने की बात अलग है। अगर पूछा जाए कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ, बेसिकली नहीं नहीं इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी बहुत सारे राइटर्स हैं, इनमें भी अलग अलग टाइम पे है। फिलहाल इसका राइट आंसर सरे है, बाद में मैं चेक करके बताती हूँ कि विलियम शेक्सपियर को जो है ना क्या माना गया है ब्लैंक वर्स की दुनिया में। क्योंकि अगर हम उसकी बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्ड्स की बात करते हैं तो उसके लिए हेनरी हावर्ड का नाम आता है। इंग्लिश प्ले में अगर हम बात करते हैं तो ये इंग्लिश पोइट्री है, लेकिन अगर इंग्लिश प्ले में हम बात करेंगे तो हावर्ड का नाम आएगा। इंग्लिश प्ले में ब्लैंक वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हावर्ड का नाम आता है, हेनरी हावर्ड का नाम। लेकिन ये हेनरी हावर्ड का पूरा नाम अर्ल ऑफ सरे है गाइस, अर्ल ऑफ सरे बोलते हैं इनको, मैंने इसको जो देखा है वो एक सेम ही है यहाँ पे, तो सरे ही नाम है, यही आप याद करो। इनका टाइम पीरियड जो है 1550 है। एक तो इनके इतने लंबे लंबे नाम है, आधा नाम जो है कुछ और, तो ये अर्ल ऑफ सरे का नाम ही है हेनरी, लिख देती हूँ मैं हेनरी हावर्ड। तो अगर हेनरी हावर्ड आ जाता है कहीं पे तो आप लोग पूरा नाम इनको ऐसे ही बोलते हैं, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, आधी आधी चीजें लिखते हैं, कंफ्यूजन टीचर को भी हो जाता है। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेंसेरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, जो स्पेंसर का स्टैंजा होता था वो कितने लाइंस का होता था? ये होता था आपका 9 लाइंस का। स्पेंसर का जो स्टैंजा होता था वो होता था 9 लाइंस का, ठीक है, 9 लाइंस का होता था। एलिजाबेथ एज इन इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ, कौन सा कवर करती है पीरियड एलिजाबेथन एज? ये सारे लोग बताएंगे क्योंकि 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। सेबेस्टियन करेक्ट है, मेधावी करेक्ट है, विशाल करेक्ट है, कविता करेक्ट है। हाँ अब एक बार मैंने करेक्ट बोला ही है तो फिर तुम लोग अब क्या, 1558 टू 1603। हाँ ये शायद कल भी आया था। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज, हाँ बताओ। नहीं नहीं मेधावी सबिस्टन, तुम लोगों ने इसका आंसर डी बताया। जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है ना, ये आपकी सोनेट्स हैं, ओके सोनेट्स हैं। ये आपका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है ये 108 सोनेट का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है सिडनी द्वारा, ठीक है। ये फिलिप सिडनी ने 108 सोनेट्स का, ये आपको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। तो 108 सोनेट्स हैं इसमें एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में, और 11 सॉन्ग्स हैं। फिलिप सिडनी ने इसके लिखा था 1582 में, ओके। और जानते हैं फिलिप सिडनी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद में ये पब्लिश हुआ था 1591 में, ओके, पोस्टमसली पब्लिश हुआ था ये। और सो ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना, विलियम शेक्सपियर के बाद एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है 108 सोनेट्स का एक सीरीज है, ये विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन सोनेट जो है वो इनकी मानी जाती है, ठीक है। अब दोबारा मत पूछ भूलना क्योंकि दोबारा मैं इसको फिर से डिस्कस कराऊंगी। ये है सोनेट सीक्वेंस बाय सिडनी, कितनी सोनेट्स हैं, 108 सोनेट्स हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मॉर्लोव इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लेजेंड, जर्मन लेजेंड पर बेस्ड है जो, इसमें डॉक्टर फॉस्टस के बारे में कल मैंने आपको बताया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मॉर्लो इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लेजेंड? ओके, सो इसमें तो इसमें डॉक्टर फॉस्टस के बारे में कल मैंने आपको शायद मैंने डिस्कस किया था कि डॉक्टर फॉस्टस जो थे उस पर बेस्ड है ये प्लेस ऑफ मॉर्लो, ये जर्मन लेजेंड डॉक्टर फॉस्टस के बारे में डिस्कस करते हैं, ज़ू ऑफ माल्टा नहीं है, डॉक्टर फॉस्टस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक ट्रेजिक, शायद मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था, एक ट्रेजिक ट्रेजिडी थी जो उस पर लिखी गई थी, ठीक है। डॉक्टर थे वो, एलिजाबेथ एंड ट्रेजिडी थी मार्लो द्वारा, तो डॉक्टर फॉस्टर से उनका नाम, और ट्रेजिडी लिखी गई थी इनके ऊपर, ये मैंने बताया था। ज़ू ऑफ माल्टा नहीं है, डॉक्टर फॉस्टर से याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्लोवियन हीरो इज नॉन फॉर हिज हंगर। जो मार्लोवियन हीरो था उनके हंगर किस लिए थी? गोल्ड, पावर, नॉलेज, पीस। वैसे तो अगर हम देखें तो आपके दिमाग में आएगा कि शायद नॉलेज होगा, लेकिन इनकी जो हंगर थी मॉरल, तो हंगर जो है बेसिकली पावर की ज्यादा होती है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, पावर। विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजडी? अच्छा, कौन सी ऐसी ट्रेजडी है जो फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, रिवेंज ट्रेजडी मानी जाती है, ये आपको बताना है। इसमें आप गॉर्बोडक का नाम नहीं लेंगे, याद रखना, वो फर्स्ट ट्रेजेडी हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी का नाम क्या है ये बताना है। नहीं, ए नहीं है, गॉर्बोडक नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी जो जानी जाती है द स्पैनिश ट्रेजेडी जानी जाती है, ठीक है, याद कर लो। तुम लोगों के आज तुम लोगों के क्वेश्चन बड़े ज्यादा गलत हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, ये इतने ज्यादा फैक्ट्स थे ना इसलिए, क्योंकि एक सिक्वेंस में नहीं थे, फैक्ट्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन बिवेयर वीमेन इज वन ऑफ द मास्टरपीस बाय। देखो, वीमेन बिवेयर वीमेन मतलब महिलाओं को महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। अब देखो उस टाइम भी लोगों को पता था कि महिला ही महिला की दुश्मन है, तो ये जो है थॉमस मिडल्टन ने, आप लोगों को बता दूं, महिला ही महिला की दुश्मन है, ये मास्टरपीस था थॉमस मिडल्टन का, ठीक है। और ये जो है ट्रेजिडी थी आपकी, बीमेन, ये क्या थी? ट्रेजिडी, ये थी एक ट्रेजिडी। ओके, सो बेसिकली बेस्ड किस पे थी? ये यंग पीपल जो करप्शन करते हैं, लोग जो बर्बाद करते हैं, लस्ट में बर्बाद करते हैं, करप्शन में, उस पे लिखी गई थी। किसने लिखी थी? थॉमस मिडल्टन ने। और ये पता कब लिखी थी? 1623 में, ठीक है। ओके, हु कंप्लीटेड हीरो एंड लिएंडर स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव? हुआ क्या था? क्रिस्टोफर मार्लोव ने शुरू की, ठीक है, और ये बेसिकली ग्रीक मिथ थी, हीरो एंड लिएंडर का मतलब ग्रीक कहानी थी। तो उनकी अचानक से जब मृत्यु हुई तो उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया उसमें, ठीक है। सो क्या किया, किसने अपना दिमाग लगाया, ये आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था इसका कि हीरो एंड लिएंडर थी, तो क्रिस्टोफर मार्लो लिखते लिखते उनकी मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर जॉर्ज चैपमैन ने उसके आगे लिखा इसे। राइट आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है, जॉर्ज चैपमैन। इन्होंने इनकी ये जो ट्रेजडी है वो कंप्लीट की, पोयम जो है ट्रेजडी नहीं थी, मिथ थी, एक तरीके से मैथोलॉजिकल जो लिखे जाते हैं चीजें, कभी कभी मिथ को लोग भगवान मान लेते हैं, वो वाला मिथ, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है इधर। द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट। द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज टू इंस्ट्रक्ट, हु सेड दैट? मेधावी, अब जो जब फैक्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन होता ही है, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि एक दो बार फैक्ट्स को भी देख लेना चाहिए। जब क्वेश्चन फैक्ट्स पे आते हैं तो हम जनरली ग्राउंड में आते हैं, अब आओ लड़ो आके देखें क्या होता है कहीं ना। सो ये कहा था बेन जॉनसन ने।
अभी तो एससीईआरटी को एक बार कंप्लीट करो गाइस, अभी जो टाइम है फटाफट से एससीईआरटी को वो कंप्लीट करो, क्वेश्चन उसी से बनने की पूरी पूरी संभावना है अब जो है, क्योंकि हमारा मतलब जो बेसिक चीज है उसको एक बार पढ़ डालो, बाद में जो चीजें मिलती रहेंगी जब आप एक बार फ्लो में आ जाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना। चलो एक बार रिपीट करो सब। हीरो एंड लिएंडर जो थी, क्रिस्टोफर मार्लो ने स्टार्ट की थी और जॉर्ज चैपमैन ने इसको पूरा किया था क्योंकि उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात है द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर। दूसरा वीमेन बीवेयर वीमेन, ये एक ट्रेजिडी थी जो बिल्कुल बेहतरीन मास्टरपीस थी थॉमस मिडलटन का। अच्छा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजिडी जो थी वो स्पेनिश ट्रेजिडी मानी जाती है। द मार्लोवियन हीरो जो है वो पावर के लिए परेशान थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन जर्मन लेजेंड। डॉक्टर फॉस्टस थे, ट्रेजिडिकल किंग थे, उस पे बेस्ड थी। ठीक है, उस पर बेस्ड थी। ओके, एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो थी वो 108 सोनेट की एक सीरीज थी जो 1582 में लिखी गई बट पब्लिश हुई थी 1591 में। एक सोनेट सीक्वेंस था सिडनी के द्वारा। एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर जो कवर करती है पीरियड, वो 1558 टू 1603 का पीरियड कवर करती है। ठीक है, और जो स्पेंसेरियन स्टेंजाज होते हैं उसमें 9 लाइन्स होती हैं, याद रखिए। ब्लैंक वर्स इंग्लिश पोइट्री में याद रखना ये ऑर्ल ऑफ सरे थे, हेनरी हॉवर्ड इनका नाम था, इनको ब्लैंक वर्स ऑफ इंग्लिश प्ले और इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। टॉटल की मिसेलिनी की जो डेट थी वो 1557 थी जब ये पब्लिश हुई। ठीक है, उसी टाइम पीरियड की सारी चीजें हैं तो याद रखना है आपको। सिडनी की आर्कैडिया जो है वो मोरे की यूटोपिया से रिलेटेड है। ठीक है, सिडनी की जो आर्कैडिया है वो मोरे की यूटोपिया से रिलेटेड है। ओके, टू हुम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज शेफर्ड कैलेंडर। सेपरेट कैलेंडर जो था फिलिप सिडनी ने वो करा था, को डेडिकेट करा गया था। हु कॉल्स स्पेंसर द पोइस ऑफ पोइस, ये कहा था चार्ल्स लैम ने। ठीक है, याद रखना। और मैंने जैसे आपको स्पेंसर के बारे में बताया कि चार्ल्स लैम ने इन्हें पोइट्स ऑफ पोइट कहा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे पोइट रहे हैं जिन्होंने तारीफ की है इनकी। ओके, ये भी याद रखें। ठीक है, सारे लोग। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीनी। स्पेंसर के जो फेरी क्वीनी के हीरो थे वो थे आपके किंग आर्थर। उस टाइम आर्थर टेल्स जो थी वो बहुत चल रही थी, तो किंग आर्थर थे। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर इज देयर इज अ रोल ऑफ अ घोस्ट। हैमलेट में घोस्ट का रोल है। शेक्सपियर एड्रेस्ड इज सॉनेट टू अ मेल, याद रखना मिस्टर डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का फुल फॉर्म बताना जरा एक बार, अभी मैंने बताया था, लिखा नहीं, लिखना भूल गई। शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज, तो ये होलिनशियस क्रॉनिकल्स पर बेस्ड है। ओके, Who among the following called Hamlet an artistic failure? T.S. Eliot. Shakespeare के Roman plays हैं, वो based हैं North के Plutarch पे। Who said that Shakespeare knew that Little Latin and Less Greek? Ben Jonson. Who said that Shakespeare knew Little Latin? अच्छा, Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, satisfying nothing. ये कहा था Macbeth. Macbeth में. In which year were Shakespeare's sonnet published? 1609. वॉट इज रेप ऑफ लुक्रीसी, ये एक नरेटिव पोएम है जिसमें नरेट किया गया किसी पर्सन के द्वारा सारा मुद्दा। हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, इनका नाम था हैजलिट और 19th century में लिखी गई थी। द फ्रेज वॉट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, जूलियट ने बोला था। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में था ये। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखी चार्ल्स एंड मैरी लैम ने लिखी है 1807 में। शेक्सपियर ने डेडिकेट की अपनी नरेटिव पोएम वीनस एंड एडेनिस अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रेस्लर्स को। ठीक है, याद रहेगा ना, सोनेट्स लिखी है 154। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ग्रामर का क्लास नहीं, ग्रामर का क्लास मैंने ग्रामर नहीं पढ़ा रही मैं। हाँ जी, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ सारे नोट्स। I'll share the notes in the group as well. Okay.
हाँ जी, क्या कह रहे हो सेबेस्टियन? ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें, उनकी एक बुक है, उसमें है, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं भेज रही हूँ अभी आपको। ओके गाइस, यू कैन लीव द क्लास, आई विल शेयर द पीडीएफ। वेट, आई एम शेयरिंग द हैंड आउट्स ऑल्सो।